खबर अयोध्या से है, जहां आगामी 10 जुलाई को बकरीद मनाए जाने की संभावना है। इसे लेकर जिले में बकरों की मंडी लगनी शुरू हो चुकी है। जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा सबसे बड़ी मंडी नियावा में लगती है। हालांकि उसे आज कोई खरीदार तो नहीं मिला, लेकिन जो देखता है ठिठक कर रह जाता है। वहीं कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद उमर कुरैसी ने बताया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की यहां पर भीड़ लगी रही। कई लोग दो बकरे भी एक साथ खरीद रहे हैं। बकरीद से पहले तक इन्हें अच्छे से खिला पिलाकर इनका ख्याल रखा जाएगा, जिसके बाद इनकी कुर्बानी होगी। उन्होंने बताया कि 10,000 से 15-25-30,000 तक बकरे बिक जाते हैं। वहीं बकरे के खूबसूरत बच्चे होते हैं, उनकी भी कीमत मिलती है। बता दें कि इस साल भारत में बकरीद 10 जुलाई दिन रविवार को मनाए जाने की संभावना है। बकरीद की तारीख चांद के दिखने पर निर्धारित होती है। इस त्योहार को कुर्बानी के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। मुस्लिम समाज के लोगों के लिए ईद का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। बकरीद मनाने के पीछे हजरत इब्राहिम के जीवन से जुड़ी हुई एक बड़ी घटना है। ऐसे में आइए जानते हैं बकरीद क्यों मनाते हैं, इसका इतिहास क्या है। विराट 24 के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। आज बाजार के दिन से सारा दिन ऐसे बिका करेगा, खरीदा करेंगे, लोग बेचा करेंगे, आएंगे जाएंगे। 10,000 से लेकर 15,000 20,000 25,000 तक बकरे बिक जाते हैं संध्या आने के। और ऐसे है बाजार वाले तो 4,000 6,000 खूबसूरत बच्चे जो होते हैं उन्हीं कीमत आती है। उसका कोई जन से काम लेना देना नहीं है। जैसे अच्छे लगते हैं, जिसको खूबसूरत बच्चे अच्छे लगते हैं, छिपाने वाले हिसाब से वो हिसाब से अपना ले लेते हैं। 1,000 2,000 कम ज़्यादा, अच्छा बच्चा 200 500 कोई 10,000 लगा तो कोई 12 लगा के कोई यार ऐसे बिका है। ज़्यादा बस यही बिक रहा है जो बता है आमतौर से। कार्ड बकरे कोई ज़्यादा बिक जाए 40 से 35 तो अलग बात है, लेकिन 10,000 से 15,000 10-25,000 तक भाग बकरे बिका सकते हैं।